मार्केट में मिल गया एक यानी नकली किन्नर, तो ये कह रहा हम लिंग परमर्शन करा के अपना और तुम लोगों को सवे फंसवा देंगे, हमारी मदद की जाए, हमारी यानी ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए। योगी जी, हमने पहले भी साल भर पहले आपसे कहा था, मेरे एटा पुलिस ने मेरा पूजा किन्नर कासगंज। पूजा जी, आप अध्यक्ष हैं किन्नर समाज की? मैं किन्नर समाज अध्यक्ष हूँ। यहाँ एक हत्या हो गई थी राधा किन्नर की, उसके बावजूद आप क्यों धमकी दे रहा है आपको? क्या हम यो कर रहे हैं कि यानी यहाँ के यानी पुलिस महकमे ने और लोगों ने, नेता लोगों ने पैसा लेके शीतल को निकाल दिया, इतना बड़ा अपराधी जो हमारे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, हमारा पैसा बर्बाद हुआ, हमारी बिल्डिंग भी उसके परिवार के लोगों ने ले ली और हम किन्नरों को यानी दो दो पैसे का रोड पे कर दिया गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब शीतल किन्नर ने फिर राधा किन्नर को मारने के बाद और हमको पूजा किन्नर को भी कि तुम अध्यक्ष हो, तुम्हारा हम मर्डर करा देंगे, हमें समाज में बिठा लो, हम उसको समाज में आज न बिठा लें कल नहीं बिठा लें। और एटा के मेरे चार नायक हैं, नूरजा, प्रीति, शीतल, वो क्या नाम है उसका, क्या वो हत्यारा है? हत्यारा है वो, है? वो हत्यारा है, वो हत्यारा है, यानी पकड़ा गया, जेल गया, सजा हुई उसको, है नहीं, उसके ऊपर यानी वो केस लगा उसके ऊपर, यानी गैंग स्टार लगी है और कोई पुलिस सुनवाई न पहले की और न अब हमारी कही जा रही है। अपर सब एटा में किन्नर दहशत में है, उनको हत्या की अपनी आशंका है, इनकी हत्या में क्या है पूरा मामला? एक प्रकरण आया है जिसमें किन्नर की पिछले वर्ष हत्या हुई थी, इसमें वर्कआउट हुआ था जिसमें उनके साथ रहने वाले किन्नर की भी मिलीभगत पाई गई थी। इस वर्ष रामलीला में जो मेला लगा हुआ था वहाँ पैसे वसूली को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिससे उनका कहना है कि जो पहले हत्याकांड में शामिल था जो किन्नर, उनकी दी जा रही कि वो इनपे इनके खिलाफ हिंसा करेगा। इस संदर्भ में इनकी तहरीर प्राप्त कर ली, FIR पंजीकृत कराई गई, जो उचित कार्रवाई की जाए।